नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला कबलेरिया बनारस से। इस समय मैं चोलापुर थाना अंतर्गत गाडर गांव में हूँ, जो कि प्राथमिक विद्यालय पे। आज यहाँ पे जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी बीमारी है और लोग इस गांव में पाए गए हैं, जो कि आज कल से इस गांव को सील किया गया और मौके पहुँचे SDM साहब, और हम उनसे जानेंगे कितने लोग हैं, रखे गए हैं, क्या व्यवस्था है इन गाँव के लिए। तो आइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए, हम यहाँ पे मौके पे हमारे ADM सर हैं, उनसे थोड़ा से बात करते हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पे। सर नमस्ते। सर सर यहाँ पे जो अभी अभी सील किया गया है, तो इस गांव के लिए क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां है और किस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। रिपोर्टर है जी। सर आपका नाम और पद क्या पड़ेगा? ये वीडियो नहीं चाहिए, आप नोट कर सकते हैं सर। अच्छा, लेकिन सर लाइव के लिए थोड़ा सा। सर ओके ओके बताइए। सर आपका नाम और पद क्या पड़ेगा? मैं SDM पिंड्रा, मणिगंडन SDM पिंड्रा। ये हमारा अभी गांव में गडार में गांव लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन के बाद अभी ये मरीज हॉस्पिटल दीनदयाल शिफ्ट हो गया। ये परिवार का अगल बगल वाला का थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। फिर भी हमारा आशा है, ANM है, सब लोग देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे सिचुएशन। अगर ज़रूरत है सब लोगों का भी जांच हो जाएगी। ये पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है, ये हमारा पुलिस विभाग का आदमी है, सब लोग अभी ये बाड़ा सील हो गया, कोई आदमी अंदर भी नहीं आ सकता है, बाहर भी नहीं जा सकता है, वो सील हो गया। निगरानी समिति एक्टिव है, गांव के अंदर भी कोई गुमराह है वो लोग भी पकड़ेंगे, इनका खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये विकास विभाग से उपस्थित है, विकास विभाग से माध्यम में साफ सफाई ये छिड़का करने का काम चल रहा है, वो भी चलेगा। फिर एसेंशियल कमोडिटीज अंदर किराना है, सब्जी है, दूध है, गैस सिलेंडर है, ये लोग भी पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहा है। इसमें ये हॉटस्पॉट के अंदर, ये गांव अभी हॉटस्पॉट हो गया है, हॉटस्पॉट के अंदर केवल डोर डिलीवरी करना है, डोर डिलीवरी हो सकता है, डोर डिलीवरी के लिए सभी व्यवस्था हो रहा है, सब घर में ये सामान पहुंचाएगी, कोई व्यक्ति बाहर आने के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। सर ये कल का हुआ है, अभी कुछ पहुंचा कि नहीं, और कब तक ये पहुंच सकता है सारी सामान? ये अभी अभी मैं पूरा ये जांच कर रहा हूँ। अभी किराना का दुकान सबको बता दिया है, गांव का किराना का दुकानदार खुद फोन में ऑर्डर ले सकता है, फोन का नंबर अभी सबको उपलब्ध हो जाएगी, फोन में ऑर्डर दे सकता है, घर में पहुंचाएगी। ये अभी 15 तारीख तक रेशन 100% वितरण हो गया है रिपोर्टर के माध्यम से। अभी 15 तारीख के बाद भी लगभग 80% का हो गया है, और भी कितना बच्चा है वो भी हमारा ये कोटीदार है, सीधे घर जाकर बांटेंगे। अगर हर एक एक मोहल्ला, हर मोहल्ला जाकर 10-15 लोगों का बांटेंगे, किसी को ये दुकान बुलाने के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे कितनी संख्या होगी सर इस गांव की? इस गांव की संख्या काउंट क्या? 3500 सर। ओके, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आशा और बहनें सब सारी मौजूद है, जो कि अपने टीम को लेकर के। तो हम थोड़ा से इनसे बात करेंगे। आपका नाम दीदी? बबीता मॉडल। आपका पद क्या है? आशा है। तो इस समय क्या कार्य चल रहा है इस गांव के लिए? इस गांव की आशा लक्ष्मीनाथ है, हम गार्डर के, वो गर्थवा के। अच्छा अच्छा, आप उनसे पूछेंगे तो और बेटर होगा, पूरी अच्छी तरह जानकारी दीजिए। अच्छा दीदी, आपका नाम दीदी? लक्ष्मीना। पद क्या पड़ेगा? आशा। तो इस गांव में अभी क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या है? कोई तैयारियां हो रहा कि एक दूसरे के घर ना जाए, घर में रहे, और जिसके घर से कोई संबंध न रखें, दूरी बना के रखें, और देख रेख के लिए हम लोग को रखा गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे देख रेख। यहाँ पे साफ सफाई किस तरह से? अच्छी है, साफ सफाई तो अच्छा है। अच्छा, सैनिटाइजर सब? हाँ। अच्छा, तो ये सारे जो कि अभी अभी एक सील भी हो गया है और यहाँ पे मरीज भी पाए गए हैं, तो उसको लेकर के क्या मन में
कोई चिंता डर नहीं होता है? नहीं, डर तो है। किस तरह की चुनौतियाँ आती है आप लोग के सामने? वही जिसे कह रहे हैं कि अरे आप लोग थोड़ा देख रेख करिए और थोड़ा संभाल के रखिए, एक लोग को हो गया दूसरा लोग का ना होने पाए, बचाव। तो कितने लोग हैं यहाँ पे पाए गए? बस एक। अच्छा, एक बाहर से आए थे? हाँ, बाहर बम्बई से आए थे। तो आइए हम थोड़ा चलते हैं यहाँ पे, जो कि गांव वालों का देखते हैं, कह रहे हैं कि थर्मस स्कैनिंग भी शुरू हुई है, स्वास्थ्य विभाग भी हमारी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग हमारी यहाँ पे देखे पूरे गांव को, इस जो कि प्राथमिक विद्यालय पे, और जो कि थर्मस स्कैनिंग चालू है, इस गांव की पूरी तरह से तैयारियां चल रही है ताकि नाम बताओ। बुढ़िया बाबू जी का नाम बताओ। सॉरी, कम पड़े हो, 8-5-13 साल। मोबाइल नंबर बाबू इधर आओ। आप कहाँ से दीदी? अच्छा, घटका से। अच्छा अच्छा, आपका नाम और पर्ची? तो इसमें आपकी ड्यूटी यहाँ लगी है? तो किस तरह की ड्यूटी लगी है, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? हेलो। तो इसमें दीदी आपको जब ऐसी सूचना मिलती है तो किस तरह से तनाव भी आता है, डर महसूस होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत। अच्छा, जब लोग ठीक हो जाते हैं तो फिर किस तरह का महसूस होता है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं जिस गांव के छोटे छोटे बच्चों ने जो कि अपने मुंह को एक रुमाल से बांधकर और जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रख रहे हैं। और सब लोगों का जांच चल रहा है इस गांव का। आपका नाम भैया? ये कौन सा गांव है? ग्राम सभा गाड़ा। अभी यहाँ पे किस तरह की जांच चल रही है? अभी तो कल शाम को मालूम हुआ 5 बजे यहाँ मतलब थाने पर मतलब रिपोर्ट गया, सिपाही लोग आए, तब हम लोग को मालूम हुआ है मतलब कि कोरोना निकला है। इसके बाद प्रधान जी आए, सिपाही लोग आए, फिर एसओ साहब आए, फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, फिर वो लड़के को ले गए। ले जाने के बाद यहाँ कर्फ्यू लग गया पूरा, हम लोग गाँव एकदम घेराबंदी में हो गया। अच्छा, तो उसमें खाने पीने की व्यवस्था कुछ है? खाने पीने की व्यवस्था मतलब अभी तो अपने घर में जिसके पास है अभी तो खा रहा है। इसके बाद अभी गांव में एक दुकान है कोटेदार का, उधर से मतलब जो सुबह 10 बजे तक खुलता है दुकान, उतने टाइम तक अपना सब सामान ले जाते हैं। अभी तक तो सही व्यवस्था है। अच्छा, आगे क्या लगता है कि प्रशासन मदद मिलेगी क्या? अभी तो ठीक चल रहा है, इसके आगे अभी क्या होगा तो भविष्य की बात है। देखिए अभी आपके स्वास्थ्य विभाग भैया, आपका नाम भैया? बीरवा। तो अभी इस गांव में कितनी जांच हो चुकी है थर्मस स्कैनिंग? इस समय 179। अच्छा, तो आज सुबह से है, कब से चालू? जी करीब 2 बजे। अरे 1 बजे। तो कब तक चलेगी? ये चलेगी 5-6 बजे तक। अच्छा, तो आज खत्म हो जाएगी? नहीं, अर्थ चलेगा। अच्छा, तो इसमें छिड़काव का सब हो गया है? छिड़काव हो गया। मोबाइल नंबर
चलो रुको यार, आओ बेटा, नाम बताओ, यहाँ खड़ा हो। ये देख सकते हैं, ये है जो कि गार्डन प्राथमिक विद्यालय, और इसी में इस गांव के मिले हुए व्यक्ति को जो है कि रखा गया था। और उसके बाद इस स्कूल में सबके पूरे गांव की हॉट स्पॉट के बाद जांच शुरू है। आपकी हुई जांच? रुके, क्या नाम भैया? तो वो जो व्यक्ति मिले थे क्या नाम था और कहाँ से आए थे? नाम क्या था? अच्छा, तो कल के मिले थे कि परसों? तो इसमें क्या स्थिति है, गांव की स्थिति क्या है, क्या खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से क्या हो चल रहा है? लेकिन आगे क्या लगता है, क्या प्रशासन से कुछ मदद मिल पाएगी? आगे अभी तो आश्वासन दिया जा रहा है, अगर मिलेगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जो थोक विक्रेता वाले दुकानदार हैं चले वाले हैं, तो आप अपना डिलीवरी करेंगे। अच्छा, नंबर क्या पता है आपको? मेरा नहीं, नहीं होम डिलीवरी का नहीं पता, नहीं मैंने उसे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, नंबर उम्र नहीं दिए कि होम डिलीवरी का नंबर है यहाँ पे? अच्छा, तो राजा ने पर कैसे पता चलेगा आप लोगों को? सूचना ग्राम प्रधान के माध्यम से देंगे। कौन है प्रधान यहाँ के? अजीत प्रधान। अच्छा ठीक है, ओके। तो जैसे अभी अभी आप देखना कि हमने इस गांव के अजू स्कूल पे हैं, यहाँ पे जो पाए गए थे जिस तरह से हॉट स्पॉट किया गया है, और अभी अभी जो कि हमने अधिकारी से और यहाँ की जो जनता है उनसे भी बात किया था, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक तो ठीक है, फिलहाल में जो लोग खा पीने के रखे हैं खा रहे हैं, लेकिन अगर आगे तक के अगर प्रशासन की हमें सहयोग न मिलेगी तो हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। हालांकि इस गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव और थर्मस स्कैनिंग चालू है, और मौके मौके पे अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं, प्रशासन लोग आ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम का बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और मुंह पे मास्क जरूर लगाइए, अपने हाथों के सैनिटाइजर जरूर करिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसे सुरक्षा चाहिए, सावधानी चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे लाइफ के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।